नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सोलर पैनल, सोलर चार्जर, बैटरी और इन्वर्टर तीनों का कनेक्शन कैसे करते हैं, और डीसी बल्ब का कनेक्शन अलग से, और एसी सप्लाई से चलने वाले इक्विपमेंट की कनेक्शन कैसे करते हैं। आज के वीडियो में पूरा जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सोलर पैनल है, दूसरा सोलर चार्जर कंट्रोलर, ये हमारा तीसरा 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, ये चौथा इक्विपमेंट है हमारे पास इन्वर्टर। इसके बाद ये दो बल्ब जिसकी सप्लाई हम डीसी से देंगे, डीसी वोल्टेज, डीसी से कंट्रोल होगा ये दो बल्ब। ये दो स्विच बोर्ड, ये एसी सप्लाई के लिए एक बल्ब, एक फैन और ये बोर्ड है, इसके कनेक्शन हम करते हैं। सोलर पैनल से एक आर वायर लेंगे, फेस वायर को, ताकि कंट्रोलर की बैटरी वाले सोलर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद न्यूट्रल लेंगे, ब्लैक वायर को माइनस वाले में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद पॉजिटिव वाले से बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद माइनस लेके उसको बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा बैटरी कनेक्शन हो चुका, ये माइनस है। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव जो, उसको पॉजिटिव लेके हम स्विच बोर्ड में दे देंगे, डीसी के लिए, डीसी बल्ब के लिए हम पॉजिटिव को दे देंगे कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद आउट से जो निकलेगा वो बल्ब के एक स्विच से निकल के बल्ब के एक पॉइंट पे चला जाएगा, टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्विच से दूसरा वायर लेंगे, जिसको हम दूसरे वाले बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये जो कि आप देख सकते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल लेंगे दोनों बल्ब से लेकर कॉमन कर देंगे, दोनों का न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। एक वायर वहाँ से लेंगे, वापस से हम कंट्रोलर में सोलर चार्जर कंट्रोलर के नेगेटिव पॉइंट पे से कनेक्ट कर देंगे। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा डीसी बल्ब का कनेक्शन हो गया, कनेक्शन डायरेक्ट टू कंट्रोलर, कंट्रोलर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। बैटरी से पॉजिटिव वायर लेंगे, जो कि हम इन्वर्टर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, रेड वाले वायर पे, उसमें रेड एंड ब्लैक दो वायर होते हैं, रेड वाले वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब नेगेटिव वायर, ब्लैक वाले वायर को लेंगे और इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट पे से हम कनेक्ट कर देंगे। ये होगा डीसी वोल्टेज इन, ये इन के लिए है। अब एसी वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, इन्वर्टर से आउट होगा तो एसी। न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे बल्ब में, फैन में, पहले फैन में कर दिया न्यूट्रल का कनेक्शन, उसके बाद बल्ब का भी उससे कॉमन कर देंगे। और एक सॉकेट है हमारे पास बोर्ड के लिए, प्लग पिन, उसको भी न्यूट्रल दे देंगे कॉमन। अब यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से हम बोर्ड के सॉकेट में एक एक करके सब में दे देंगे कॉमन, कॉमन कर देंगे सब में। यहाँ से क्या आउट हुआ तो इसको फैन में दे देंगे, फैन,
फैन के आउट से निकलेगा रेगुलेटर से, रेगुलेटर फैन के लिए, रेगुलेटर से हम इसको फैन के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले एक स्विच इसको भी इन कर दिए, एक पॉइंट से लेंगे उसको पॉजिटिव दे देंगे बल्ब को स्विच से, ये भी हो गया। दूसरे वाले वायर को हम लेंगे और उसको सॉकेट के एक पॉइंट से यहाँ पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।